जासूसी कांड पर कांग्रेस ने मांगा गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा, कहा पीएम मोदी की भूमिका की हो जांच। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा डाटा लीक का जासूसी से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने बताया स्तरहीन, पूछा मॉनसून सेशन से पहले क्यों नहीं शुरू हुआ पेगासस की कहानी। अपराधियों पर योगी सरकार की नकेल, 15 अरब से अधिक की संपत्तियां की गई जब्त, 139 अपराधी एनकाउंटर में ढेर। मायावती को याद आया 14 साल पुराना फॉर्मूला, क्या बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग से बदलेगी यूपी की सियासत। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। रुद्रप्रयाग में पिछले 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी का केदारनाथ धाम दौरा भी रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए जाने वाले थे, लेकिन बारिश के चलते कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए उत्तराखंड के हर्बर्ट पर मिलन प्लेस से चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान के अलावा कई नेता शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि भाजपा अपने 4 साल के कामों को लेकर जनता के बीच जाएगी। उत्तराखंड के अंदर चारों धामों को जोड़ने वाली 63,000 करोड़ की सड़क योजना का भी ऐलान कर दिया गया है, जो उत्तराखंड के चारों धामों को आपस में जोड़ेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, छोटे किसानों को सम्मान निधि, जनधन योजना, आयुष्मान कार्ड, कोरोना काल में गरीबों के लिए फ्री राशन जैसी सुविधाएं बीजेपी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो आज आम जनता के बीच पहुंच रही है। पूरे प्रदेश में इस समय जिले की कार्य समितियाँ हो रही हैं। पहले चिंतन बैठक हुई थी और उस बैठक के हिसाब से फिर ये तय किया था कि जिला बैठकें की जाएँ, फिर उसके बाद आगे मंडल बैठकें शुरू की जाएंगी 1 तारीख से। तो इन बैठकों में मंडलों का बैठकों की तारीख तय की जाएगी और मंडलों में रखने वाले प्रस्ताव बताए जाएंगे। सब मिला करके चुनाव को दृष्टिकोण रखते हुए कैसे हम चुनाव को जीत सकते हैं, इसकी योजना रचना। बाजपुर दौरे पर पहुंचे मुलायम यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सपा नेता सिद्धार्थ सिंह ने समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचकर कहा कि आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तराखंड की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सपा नेता ने बाजपुर में 20 गांव की 5,838 भूमि मामले पर भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार किसानों को परेशान करने का काम कर रही है, ऐसी सरकार को किसान उत्तराखंड में दोबारा मौका नहीं देंगे। बीजेपी विधायक पर लगे दुष्कर्म के आरोपों पर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। नैनीताल हाईकोर्ट ने विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि पीड़िता के खिलाफ पहले विधायक ने खुद शिकायत दर्ज की थी, इसलिए अभी गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। अगली सुनवाई मामले के 3 हफ्ते बाद होगी। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की सिंगल बेंच कर रही है, जिसमें जस्टिस MS धनिक ने कहा कि शिकायतकर्ता के खिलाफ पहले सुरेश राठौर ने शिकायत की थी, जिसमें उनको जेल हुई थी। जेल से छूटने के बाद उन्होंने सुरेश राठौर के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई है। ऐसे में सुरेश राठौर की तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। सावन के पहले सोमवार के मौके पर चमोली जिले के कई मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। गोपीनाथ जोशी मठ में कल्पेश्वर महादेव, ज्योतेश्वर महादेव मंदिर, महामृत्युंजय महादेव मंदिर में श्रद्धालु जलाभिषेक करने आ रहे हैं। हालांकि सुबह से ही बारिश लगातार जारी है, लेकिन इसके बाद भी श्रद्धालुओं का सैलाब बढ़ता ही जा रहा है। सावन के सोमवार का पुराणों में विशेष महत्व माना जाता है। सावन के महीने में भगवान भोले शंकर का उपवास रख पूजा अर्चना की जाती है। उन सभी लोगों पर शिवजी अपनी कृपा बनाए रखते हैं।
शिव शंकर, जय मृत्युंजय महादेव। हम यहाँ नारायणगढ़ प्रखाल नाम के देवीधुरा मंदिर में आए हैं। आज यहाँ पे 999 सीढ़ियाँ चढ़ के माना जाता है कि यहाँ पे भोलेनाथ का जो मंदिर है यहाँ हमारे पीछे, तो जो भी भोलेनाथ के भक्त यहाँ पे अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं वो सभी की मनोकामनाएं। यहाँ पे दूर दूर से मतलब श्रद्धालु लोग आते रहते हैं। यहाँ पे यहाँ की बहुत मान्यता है, लोग कहते हैं और हमने भी सुना है ये सब चीज़। तो मतलब हम प्रखाल से आए यहाँ पे, 999 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। सावन के पहले सोमवार के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु वीरभद्र महादेव मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। भारी बारिश के बावजूद भी श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज से सावन का सोमवार प्रारंभ हो चुके हैं। आज सावन के पहले सोमवार के दिन भारी बारिश के बावजूद भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु ऋषिकेश के पौराणिक मंदिरों में भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ऋषिकेश के वीरभद्र महादेव मंदिर, सोमेश्वर महादेव मंदिर, चंदेश्वर महादेव मंदिर के साथ साथ पौराणिक नीलकंठ महादेव मंदिर में भी श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। वीरभद्र महादेव मंदिर में महंत राजेंद्र गिरी ने बताया कि आज से सावन की शुरुआत हो रही है। पहाड़ी मूल के लोगों के लिए आज सावन का पहला सोमवार है, यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग मंदिर में भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। भाई, हिंदू धर्म में सावन का एक विशेष महत्व तो है ही, क्योंकि पूरे सावन भगवान शंकर का पूजन होता है और ये वीरभद्र मंदिर भगवान शंकर का मंदिर है, इसलिए यहाँ हर साल इसी तरीके से पूजा पाठ होती है और सिस्टम से पूजा कर रहे हैं। लोग मास्क लगा के आ रहे हैं, डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और सब बढ़िया चल रहा है। बड़े आराम से लोग दर्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं। आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने कांवड़ रद्द किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने यात्रियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना महामारी ने देश ही नहीं पूरे विश्व को जकड़ रखा है, ऐसे में सरकार द्वारा लिए गए फैसले को सभी लोग स्वीकार करें। आपको बता दें कि इस साल भी संक्रमण और कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए शासन और प्रशासन के द्वारा कांवड़ यात्रा को स्थगित किया गया है। महामंडलेश्वर ने सभी श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि घर बैठे मानसिक रूप से इसी यात्रा का स्मरण करें और भगवान शिव की आराधना करें। कोरोना के कारण आज देश में नहीं अपितु दुनिया में महामारी है। भारत सरकार और WHO इन तीनों का निर्णय आज भी वही है जो हमारी परिस्थिति है, देश की और समाज की और दुनिया की, उसको ध्यान में रखते हुए कांवड़ यात्रा स्थगित करने का निर्णय उत्तराखंड सरकार ने लिया है। मुझे लगता है यह निर्णय इसलिए स्वीकार्य है, यह निर्णय इसलिए प्रशंसनीय है और सराहनीय है क्योंकि कोरोना नामक महामारी पूरी दुनिया में व्याप्त है और उस परिस्थिति के कारण यह निर्णय लेना अनिवार्य था। सरोवर नगरी और उसके आसपास देर रात से मूसलाधार हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मैदानी जिलों में कुमाऊं के पहाड़ी जिलों को जोड़ने वाला भीमताल रानीबाग मोटर मार्ग की सुरक्षा दीवार गिर गई। मोटर मार्ग पर दीवार गिरने से आवागमन बाधित हो गया। जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर रूट डायवर्ट करते हुए वाहनों को वाया जौलीकोट भवाली होते हुए भेजना शुरू कर दिया। वहीं भीमताल रानीबाग मार्ग में अंतिम आदेश तक आवाजाही पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश किसानों के लिए इस वक्त वरदान साबित हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ बारिश की वजह से होने वाली समस्याओं को लेकर आम जनता परेशान है। लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। हर जगह जलभराव की समस्याएं पैदा हो रही हैं। वहीं जिला अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार ने आपदा बचाव टीम को हर समय अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। दूसरी तरफ बारिश ने भ्रष्टाचार की भी पोल खोलकर रख दी है। सड़कें उखड़ गई हैं और अब सिर्फ मिट्टी ही दिखाई दे रही है जिस पर इस वक्त पानी भरा हुआ है।
तो पौड़ी में इस वक्त मूसलाधार बारिश ने भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी है। जहां एक तरफ प्रदेश में लगातार हो रही बारिश किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है, वहीं आम जनता के लिए बारिश इस वक्त परेशानी का सबब बनी हुई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर रोड की स्थिति को देख सकते हैं, किस प्रकार से सड़कें खस्ता हाल हो चुकी है भारी बारिश के चलते। भ्रष्टाचार युक्त जितनी भी सड़कें थी सब इस वक्त उखड़ चुकी हैं और सड़कों पर सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी दिखाई दे रही है। ऐसे में भ्रष्टाचार की कलई खुलती भी दिखाई दे रही है, जिसमें अधिकारियों पर साफ तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। ग्रामीणों को घर से बाहर निकलने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा बाजार कस्बों में बारिश के चलते पानी भराव की समस्या भी खड़ी हो चुकी है, जिससे लोगों का चलना इस वक्त दूभर हो गया है। वहीं किसानों का कहना है कि बारिश फसल के लिए अच्छी है, लेकिन पालतू मवेशियों का चारा लाने में किसानों को भारी दिक्कतें हो रही है। उत्तराखंड में आज कई जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून के साथ ही पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी जिले में भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 20 जुलाई को नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। पूरे प्रदेश में जहां हल्की से मध्यम बारिश जो है ज़्यादातर जगहों में मिलेगी, उसके साथ साथ जो हैवी वेरी हैवी रेन है वो भी इक्का दुक्का जगहों में अलग अलग डिस्ट्रिक्स में वो मिलने की संभावना है। लेकिन गढ़वाल क्षेत्र का डिस्ट्रिक्स की बात करें कि जिसमें उत्तरकाशी, देहरादून, लालकुआ में रेलवे स्टेशन चौराहे के पास स्थित नरूला होटल से एक महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों को जल्द मामले का खुलासा करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। एसएसपी ने बताया कि मृतक महिला के पति ओम प्रकाश द्वारा की गई तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उन पर कार्यवाही की जाएगी। सुबह को सूचना आई है कि कोई महिला जो है उसकी मृत्यु हो गई है होटल में। उस सूचना पे जो है पुलिस टीम वहाँ पे गई है और पाया कि जो महिला है उसकी वो बेड पे पड़ी हुई है और उसकी मृत्यु हो गई है और उसके जो है जीभ भी बाहर निकली हुई थी। स्ट्रैंगुलेशन के जैसा उसका जो है मालूम पड़ा था। बाकी जो क्लैरिटी है वो पीएम के बाद ही आएगी और इसमें महिला के हस्बैंड से जो है तहरीर हमारे पास में आ गई है, मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई इसमें की जाए। झबरेड़ा थाना इलाके में एक पिता ने अपनी बेटी को बचाने की पुलिस से गुहार लगाई है। बेटी ने पिता का कहना है कि उसकी बेटी को सचिन नाम का युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया है और उससे शादी कर ली थी, लेकिन अब उसकी बेटी फोन करके बता रही है कि उसे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। पीड़ित ने लड़के के परिवार पर आरोप लगाया है कि उसकी बेटी को उन लोगों ने बंधक बनाकर रखा हुआ है, इसलिए पुलिस मामले में कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी बेटी को बचाए। कलियर थाना इलाके में बीते दिनों हुई 30 वर्षीय महिला की हत्या मामले में पुलिस ने चौथे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कोटा मुरादनगर में 3 दिन पहले हुई दीपा की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से चौथे आरोपी यानी देवर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। कलियर थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि हत्याकांड के मामले में तीनों आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, बाकी चौथा आरोपी फरार चल रहा था, जिसको आज गिरफ्तार कर लिया है। अभी भी 2 आरोपी ऐसे हैं जो फरार चल रहे हैं, जिनकी लगातार तलाश की जा रही है। उत्तराखंड में सावन के पहले सोमवार पर मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सुबह से ही सभी प्राचीन मंदिरों में लोग जलाभिषेक के लिए पहुंचे। इस दौरान लगातार हो रही बारिश के बावजूद लोग मंदिरों में पूजा अर्चना करने के लिए लाइनों में खड़े रहे और अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए।
उत्तराखंड में सावन की शुरुआत हो चुकी है। आज पहला सोमवार है जिसको लेकर शिव भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर रुद्रप्रयाग से है, दूसरी ऋषिकेश से और तीसरी तस्वीर चमोली से इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर सावन के पहले सोमवार में शिव भक्तों का मंदिरों में भारी तांता देखने को मिला है। हैरत की बात यह है कि सुबह से ही लगातार मूसलाधार बारिश इन तीनों जगहों पर देखने को मिली, बावजूद इसके शिव भक्तों ने मंदिर में पहुंचकर अपने भगवान के दर्शन किए। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।